हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन स्टफ चीज ब्रेस्ट बनाने वाले हैं हम आज, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमने चिकन के दो पीस ले लिए हैं और हमने इसको बीच में से इस तरह से, देखिए इस तरह से खोल लिया है बीच में से, और बस पीछे से जुड़ा रहे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग करते हैं। देखिए हमने शिमला मिर्च काट ली है, तीनों तरह की काटी है हमने, हरी पीली और लाल। आप चाहें तो आप कोई भी चीज़ इसके साथ भर सकते हैं, गाजर वगैरह अगर आपका मन है तो, या आप खाली चीज़ भी डाल सकते हैं। तो हमने ये ले ली है शिमला मिर्ची, और अब इसमें हम डालेंगे चीज़, और ये मोज़रेला चीज़ डालेंगे हम इसमें। खूब ज़्यादा भरेंगे क्योंकि दोनों में अच्छे से भरी जाएगी। और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़े से मसाले, बिल्कुल हल्के मसाले जाएंगे इसमें। ये थोड़ा सा ओरिगेनो डाल देंगे इसमें हम, और काली मिर्ची का पाउडर, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा गरम मसाला, ये मर्जी आपकी, डालना चाहें तो डाल दें, बिल्कुल चुटकी भर लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें मोज़रेला चीज़ के अंदर नमक कम होता है, तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम इसमें। और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चीज़ और ये सारे मसाले और ये सब्जियां हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, अब चिकन में भर देते हैं। देखिए चीज़ हमने अच्छे से भर ली है, और अब इसके अंदर हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा मसाला लगा देते हैं हम। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आपके पास अगर पाउडर हो तो आप पाउडर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ज़रा ज़रा से सही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी थोड़ी काली मिर्ची और थोड़ी थोड़ी लाल मिर्ची, क्योंकि अंदर हमने सब भर दिया है, ऊपर इतना सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लगा देंगे हम। और हल्का सा नमक, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मसल देंगे, दोनों तरफ लगा लेंगे हम इसी तरह, पलट कर भी लगा देंगे। ये देखिए मसाला हमने बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब ये जो होते हैं चिकन के जो पीस होते हैं, इसको टूथपिक से जोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी घर में अगर नहीं है आपके तो धागा इसमें बांध सकते हैं, क्योंकि धागा आसानी से खुल जाएगा, नहीं तो नहीं बांधेंगे हम तो चीज़ बाहर आ जाएगी, तो इसको बांध लेते हैं। ये ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, और मसाले लगा के अच्छी तरह से हमने चिकन को ये देखिए बांध लिया है धागे से। थोड़ा इसके शेप पे नहीं जाइए आप, क्योंकि इसको अच्छे से बांधा है हमने, नहीं तो चीज़ पूरी बाहर आ जाती। अब हम पैन में डाल देंगे, टेस्ट में बहुत ही अच्छे होंगे ये। इसके ऊपर टूथपिक से अगर इसको लगाएंगे तो इसे शेप नहीं बिगड़ेगा, तो आप चाहें तो वो लगा सकते हैं, इसे धागा बांध सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम इसको गोल्डन गोल्डन कर लेंगे। ये चिकन हमने पलट दिया है, कैसे इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह सेक लेंगे, और इसको भी पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, और अभी हम ऑयल को कम कर देंगे और इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे, इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हमने गैस बंद कर दिया, थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में इसके धागे खोल देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। चिकन पे से हमने सब धागे जो है उसको खोल दिया है, अब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ डालेंगे हम इस पर, ये देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ हमने लगा दी है, और गैस को हमने स्लो कर दिया है, और 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और चीज़ हमें दिख रही है कि पिघल गई है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्टफ़ चिकन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप ये बनाकर ज़रूर देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, मेहमानों के आगे रखिए, इतने टेस्टी और देखने में इतने खूबसूरत और फटाफट बन जाते हैं, ऐसा कोई टाइम लगता नहीं है इसमें बनने में। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, मैं फिर आऊँगी मेरे से लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर कर देते हैं।